Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at LearnoHub.com. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज की रिप्रोडक्शन क्या है, यही हमारा चैप्टर है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स बनाता है। ठीक है, जैसे एक कैट रिप्रोड्यूस करती है, मतलब कैट रिप्रोड्यूस करती है तो वो किसको पैदा करती है, एक कैट को, मतलब जो उसकी तरह दिखते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ह्यूमंस गिव बर्थ टू ह्यूमंस, राइट। फिर प्लांट्स जो है वो अपने ही तरह के प्लांट्स को पैदा करते हैं, राइट। सो दिस इज रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनिजम्स में। रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जो भी एक स्पीशीज है, जो भी एक रेस है, वो कॉन्टिन्यू रहे, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ रेस। मतलब कि आज मान लो एक पॉपुलेशन है, उसके 100 ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब अगर ये जो 100 ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो इन ये अपने ही जैसे कुछ और ऑर्गेनिजम्स को पैदा करेंगे, राइट। इनके जैसे और ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे तो इनकी जो रेस है वो चलती रहेगी, ठीक है। अब वो जो न्यू इंडिविजुअल्स आए हैं कुछ टाइम बाद, मैच्योर होने के बाद, वो अपने तरह के इंडिविजुअल्स को पैदा करेंगे। तो इस तरह एक रेस, एक स्पीशीज जो है वो कॉन्टिन्यू रहती है, ठीक है। अब मान लो जो हमने 100 ऑर्गेनिजम्स की बात की, मतलब एक स्पीशीज है उसमें 100 ऑर्गेनिजम्स, 100 इंडिविजुअल्स बचे हैं। अब वो 100 इंडिविजुअल्स मर गए, ठीक है, वो उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया, वो मर गए, तो वो जो रेस है वो वहीं पर खत्म हो गई। अब उनके जैसे और इंडिविजुअल्स नहीं मिलेंगे इस अर्थ पे, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ रेस, राइट। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। अब एक स्पीशीज की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अब एक स्पीशीज है, एक स्पीशीज क्या होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो गोरिला की एक स्पीशीज होगी, ठीक है। डॉग एक स्पीशीज में आते हैं, कैट्स एक स्पीशीज में आते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं, डॉग डॉग के साथ रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स बनाएगा और अपनी जो स्पीशीज है उसका नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हमें डिस्क्राइब करना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने इनको पूरे लाइन्स तो नहीं लिखी है बट मैंने मेजर पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनना, आपका ये जो फर्टिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जो मेल्स हैं उनके जो मेल ऑर्गन्स हैं वो रिलीज करते हैं मेल गैमेट। तो ह्यूमंस के केस में इस मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। ये जो मेल गैमेट है इट इज रिलीज्ड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज पेनिस, राइट। उसके बाद ये स्पर्म्स जो है, आपने फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पढ़ा होगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे डक्ट्स हैं। तो इन डक्ट के थ्रू
क्या होता है कि टेस्टीज में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, वहां से इन डक्ट्स के थ्रू पेनिस में आते हैं स्पर्म और वहां से डिस्चार्ज हो जाते हैं इनटू द फीमेल बॉडी, राइट। ये हमने पढ़ा है। तो ये जो स्पर्म है ये रिलीज होते हैं और स्पर्म रिलीज होने के बाद एंटर करते हैं फीमेल की बॉडी में थ्रू वजाइना, ठीक है। तो अब याद करो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जब पढ़ा था तो उसमें हमने एक पार्ट पढ़ा था वजाइना, राइट। तो वहां से जो मेल गैमेट्स हैं वो एंटर करते हैं, राइट। अब यहां से ये ट्रैवल करते हैं, अगर मैं एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊं फीमेल गैमेट का तो वो, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें यहां पर होती हैं ओवरीज, ठीक है। ये वाली जो चीज है इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। दो ओवरीज होती हैं, दो फेलोपियन ट्यूब होती हैं। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं यूट्रस, और यहां पर है वजाइना, ठीक है। तो बेसिकली स्पर्म्स जो है वो यहां से एंटर करते हैं एंड दे ट्रैवल टिल दिस पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब में आते हैं और यहां पर ये मीट करते हैं किससे? एग से। तो यहां से ओवरीज जो है, जो फीमेल में ओवरीज होती हैं, वो रिलीज करते हैं क्या? ओवम, ठीक है। फीमेल की ओवरी जो है वो ओवम या एग रिलीज करेगी और वो चला जाएगा कहां पर? इसी फेलोपियन ट्यूब में। और यहां पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे और फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करने के बाद वो बना देंगे जायगोट, राइट। जायगोट जो है फिर वापस से ये जो एक सेल बनेगा, जो जायगोट बनेगा, ठीक है, इनके फ्यूजन के बाद एक सेल बनेगा, सिंगल सेल, वो ट्रेवल करेगा यहां पर यूट्रस में और यूट्रस की वॉल में आके वो इम्प्लांट हो जाएगा और यहां पर बेबी की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली हमें ये सिर्फ फर्टिलाइजेशन तक बताना था, है ना। तो ये तो मैंने थोड़ा सा और आगे आपको बता दिया। तो द स्पर्म्स ट्रेवल टू फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, वहां पर वो एग को मीट करते हैं, राइट। तो फर्टिलाइजेशन कहां पर हुई? फर्टिलाइजेशन हुई फेलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। तो व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स? इट इज फेलोपियन ट्यूब, सिंपल। उसके बाद तो क्या होगा, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज एग, दे विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म जायगोट, राइट। तो सिंपल, बहुत ही क्लियर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जब भी आपको आए आप हमेशा इसको पॉइंट्स में लिखना, ओके। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो हमारे पास 3 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। सबसे पहले है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। तो सबसे पहली चीज है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, अगर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो वो होगी इनसाइड, इंटरनल है तो इनसाइड, इनसाइड हूज बॉडी? फीमेल बॉडी। कभी भी फर्टिलाइजेशन मेल बॉडी के अंदर नहीं होती है, ठीक है। आउटसाइड मेल बॉडी इज समथिंग लाइक, हो सकता है आंसर, बट हमें बोला गया मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो अगर हम इन सभी में देखें तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल मतलब कि अंदर होती है, ठीक है, किसके अंदर होती है? फीमेल बॉडी के अंदर होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, राइट। उसके बाद अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, जो एक टैडपोल है वो एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डेवलप हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या हम उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं? तो फर्टिलाइजेशन तो नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहां पर कहीं भी हम फ्यूजन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज इनकरेक्ट। देन सेकेंड इज मेटामॉर्फोसिस, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डेवलपमेंट ऑफ अ टैडपोल
टू एन एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। ये आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे मेटामॉर्फोसिस को। तो इसमें क्या होता है कि जो टैडपोल होता है वो एडल्ट फ्रॉग में जब कन्वर्ट होता है तो जो स्टेजेस हैं अगर आप विजिबली उनको देखो, मतलब आप उन स्टेजेस को देखो, तो जो एक टैडपोल है ना वो अपने एडल्ट वर्जन से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ी देर बाद थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन कमिंग ऑन टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ओके आई एक्सप्लेन एम्बेडिंग ऑल्सो। ठीक है, दो ऑप्शंस रह गई। एम्बेडिंग, एम्बेडिंग क्या होता है? एम्बेडिंग होता है कि अब हमें पता है कि अगर हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे ह्यूमन फीमेल्स की बॉडी होती है। ठीक है, दिस पोर्शन इज यूट्रस। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ये कनेक्टेड होती हैं अ पेयर ऑफ ओवरी से, दो ओवरी से। तो यहाँ पर कहीं पर फेलोपियन ट्यूब में होगी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और उसके बाद यहां से एक बार जो फर्टिलाइज्ड एग है, जब एक बार एग फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद वो आता है यहां पर, कहां पर? इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल, और यहां पर यूट्रस की वॉल में एम्बेडिंग हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाती है, और अब वो इसी यूट्रस की वॉल से लग कर ग्रो होता है। ठीक है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो यही होती है, राइट? सो दिस इज एम्बेडिंग। देन कमिंग ऑन टू बडिंग, तो हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स देखे हैं जैसे कि हाइड्रा देखा है। तो हाइड्रा में क्या होता है, जो हाइड्रा की बॉडी होती है इसको भी हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा तो अभी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ हाइड्रा की बॉडी होती है, हाइड्रा की बॉडी में ना साइड पर एक छोटी सी आउटर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, एक बड सा निकल आता है, ये बड धीरे धीरे करके इसके साथ ही ग्रो करता रहता है, इसी हाइड्रा के साथ, इसी पेरेंट बॉडी के साथ। ठीक है, तो जैसे इसके भी अब टेंटिकल्स आ जाएंगे, अब क्या होगा कि अब ये अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा और वो एक अलग ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बडिंग, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू सी पार्ट, The number of nuclei present in a zygote is, तो एक zygote में कितने nuclei होते हैं? Zygote क्या होता है? Zygote वो होता है जब एक male और एक female gamete का fusion होता है और एक cell बनता है। ठीक है, वो जो cell होता है उसे हम बोलते हैं zygote। ठीक है, तो एक मेल गैमिट आया, एक फीमेल गैमिट आया, दोनों फ्यूज हुए, बना जायगॉट, और इस जायगॉट में क्या होता है, इस जायगॉट के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस और ये जो सेल है, मतलब एक फीमेल गैमिट आया, एक मेल गैमिट आया, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स थे, इसके पास भी 23 थे। अब इसके पास न्यूक्लियस एक ही होगा, लेकिन अब इसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डबल होंगे एक गैमिट से, क्योंकि 23 यहां से आएंगे, 23 यहां से आएंगे, तो इसके पास होंगे 46, राइट? सिंपल। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज वन, सो देयर इज ओनली वन न्यूक्लियाई दैट इज प्रेजेंट इन अ जायगोट, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। सबसे पहले है ए पार्ट, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि विच एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस? विवीपेरस। ठीक है, जो विवीपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यंग वंस को पैदा करते हैं। ठीक है, और जो ओविपेरस होते हैं वो क्या करते हैं? वो एग्स ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स, राइट? उसके बाद ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। तो अगर हम एक स्पर्म की बात करें, एक सिंगल स्पर्म की बात करें, तो एक सिंगल स्पर्म जो है वो सिंगल सेल होता है। सो दिस इज ट्रू, इट इज अ सिंगल सेल, राइट? उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। तो फ्रॉग के केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। दो तरह की पढ़ी थी, एक पढ़ी थी इंटरनल, एक पढ़ी थी एक्सटर्नल, राइट? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है उसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, वो एक फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है,
और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, ये फीमेल की बॉडी से बाहर हो रहा है। तो फ्रॉग्स के केस में क्या होता है कि जो फीमेल है, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो क्या करती है, वो एग्स रिलीज कर देती है पानी में, और मेल फ्रॉग्स भी एग्स अपने स्पर्म्स रिलीज कर देते हैं, अपना गैमेट रिलीज कर देते हैं पानी में, ठीक है, और वहीं पानी में ही इनका फ्यूजन होता है और वहीं पर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। उसके बाद अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट। तो एक जो नया इंडिविजुअल है, ठीक है, वो डेवलप होता है फ्रॉम अ सेल जिसको हम बोलते हैं गैमेट। नहीं, अगर हम इसको ध्यान से सोचे तो होता क्या है, गैमेट क्या होता है, गैमेट एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल सेल से नहीं बनता है, ठीक है, एक गैमेट से नहीं बनता है, गैमेट्स चाहिए होते हैं, मतलब दो गैमेट्स चाहिए होते हैं एक ह्यूमन इंडिविजुअल को बनाने में। तो एक मेल गैमेट आता है, एक फीमेल गैमेट आता है, और इससे बनता है जायगोट, इससे बनना शुरू होता है एक इंडिविजुअल। तो इस स्टेटमेंट में लिखा है कि अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट। तो एक सेल से नहीं बन रहा है, गैमीट्स सेल दो से बन रहा है, ये दो गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे और उसके बाद जो एक सेल बनेगा, एक डिप्लॉयड सेल, वो है दैट इज कॉल्ड जायगोट, और इस जायगोट से बनेगा एक न्यू इंडिविजुअल और फर्दर वो डेवलप होता जाएगा, एंड देन वी विल कॉल दिस जायगोट एज एम्ब्रायो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो, ओके, देन तो अच्छा ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स, राइट। उसके बाद है एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। तो एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग आता है वो एक सिंगल सेल होता है, तो क्या ये सही है, तो ये सही है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग आता है वो एक सिंगल सेल ही होता है, ओके। उसके बाद अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। तो हमने अमीबा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अभी हम कुछ एक क्वेश्चन में पढ़ेंगे भी, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि अमीबा जो है उसका जो फेवरेट रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट इज बाइनरी फिशन। एक अमीबा होता है वो एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, फिर अगला सेल फिर से दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो बडिंग नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, राइट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है सेक्सुअल, एक होती है एसेक्सुअल। सेक्सुअल में दो इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं, एक मेल पार्टनर चाहिए होता है, एक फीमेल पार्टनर चाहिए होता है, दोनों अपने अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं, वो फ्यूज करते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनता है। वहीं पर अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, यहाँ पर दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, तो सिंगल पेरेंट से ही क्या बन रहा है, एक न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। उसके बाद बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन जो है वो एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, तो ये बात तो सही है, ठीक है। बाइनरी फिशन में क्या हो रहा है, एक सिंगल सेल है अमीबा का, वो दो में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, जैसे ये एक अमीबा का सेल है, ठीक है, ये फर्दर दो सेल्स में डिवाइड हो जा रहा है। सो दिस इज एसेक्सुअल मेथड, राइट, ट्रू। इसमें दो पार्टनर्स की तो जरूरत है ही नहीं, दो पेरेंट्स की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद जायगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जायगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो दैट इज ट्रू। एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तो क्या बनता है, जायगोट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। देन एन एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एक एम्ब्रायो जो होता है वो एक सिंगल सेल से बना होता है। तो अब देखो, हमने पढ़ा कि एक मेल न्यूक्लियाई आया, एक फीमेल न्यूक्लियाई आया, उससे बना जायगोट। अब ये जो जायगोट है ये सिंगल सेल है, और अब ये फर्दर ना डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, एक से दो सेल, दो से चार, ऐसे कर करके बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, और जब तक ये एम्ब्रायो होगा ना,
बनेगा, मतलब एम्ब्रायो जो होगा ये मल्टी सेलुलर होगा, सिर्फ जायगोट सिंगल सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर होता है और एम्ब्रायो जो है वो मल्टी सेलुलर होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो आई होप ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी. अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अ जायगोट एंड अ फीटस. तो एक जायगोट और एक फीटस में क्या फर्क होता है. तो अगर हम जायगोट की बात करें, हम बड़ी देर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जायगोट बनता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से, राइट. सो वो क्या होता है, वो होता है सिंगल सेल, ये यूनिसेलुलर होता है जायगोट. वहीं पर अगर हम फीटस की बात करें, फीटस क्या होता है, एक छोटा सा बेबी जो मदर के यूट्रस में होता है, राइट, मदर के वोम में होता है. सो दैट ऑर्गेनिज्म, अब वो बेबी छोटा होता है लेकिन वो बहुत सारे सेल से बना होता है. सो दैट इज मल्टी सेलुलर. तो ये तो है मेन फर्स्ट डिफरेंस. उसके बाद जायगोट कैसे बनता है, जायगोट बनता है बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. वहीं पर फीटस कैसे बनता है, फीटस बनता है फॉर्म बाय रिपीटेड डिविजन ऑफ अ जायगोट. बार बार जब एक जायगोट बना उसकी रिपीटेड डिविजन्स होती हैं, बहुत सारी स्टेजेस आती है, मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है. तो ऐसे कर करके मतलब ये नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से ये स्टेजेस के नाम दिए हुए हैं. और ऐसे क्या होता है कि एक जो जायगोट है उस वो एक सिंगल सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं और बेबी की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज फीटस. सो फीटस किससे बन रहा है, जायगोट में सेल डिविजन से, मल्टीपल डिविजन से, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल्स जो हैं वो बनते हैं सिंगल पेरेंट से, ठीक है. इसमें कोई भी फ्यूजन नहीं होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का. तो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑफस्प्रिंग अराइज फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट. अब इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, इन सब में होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हमें कोई दो मेथड्स बताने हैं. सो द बेस्ट टू मेथड्स आर बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग, ठीक है. तो बाइनरी फ्यूजन और बडिंग पे अलग अलग से सेपरेटली भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट दीज टू, ठीक है. बहुत ही सिंपल से हैं लेकिन सेपरेटली इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. सबसे पहले है बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन देखी गई है कॉमनली इन अमीबा. तो इसमें क्या होता है कि ये एक पेरेंट अमीबा है, एक पेरेंट सेल होता है, इसके पास ये साइटोप्लाज्म है और ये बीच में है न्यूक्लियाई, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियाई है ये ऐसे इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. इसकी इलोंगेशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड करना शुरू कर जाएगा, ठीक है. सो डिविजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है. तो हो क्या रहा है, पहले जो सेल है, ठीक है, वो इलोंगेट हो रहा है, न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है और न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, ठीक है. न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया और उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड करना शुरू कर देता है और ये बीच से फ्यूज कर जाती हैं वॉल्स आपस में, मतलब अलग अलग से एक एक सेल बना देते हैं और हमें मिल जाते हैं दो डॉटर सेल्स, ठीक है. सो दिस इज वॉट, दिस इज बाइनरी फिशन इन अमीबास. वेरी सिंपल. सो अ सिंगल पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है. तो दो इक्वल इंडिविजुअल डॉटर सेल्स मिलते हैं हमें एक पेरेंट अमीबा से, ठीक है. सिंपल. अब देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज बडिंग. बडिंग हमें बहुत ही कॉमनली हमने देखी है ईस्ट सेल्स में. अब हम बात करते हैं बडिंग इन हाइड्रा की, ठीक है. तो बडिंग अगर हम बात करें तो बडिंग जो है उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट प्लांट है, जैसे ये हाइड्रा का एक प्लांट है. अब इस प्लांट में क्या होगा कि कहीं पर एक ऐसी छोटी सी आउटग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, छोटा सा ऐसे लगेगा कि कुछ बड सा डेवलप हो गया है इसकी बॉडी की साइड पे. अब ये बड जो है ये डेवलप होने लगेगा, ठीक है. उसमें भी जैसे ये टेंटिकल्स हैं हाइड्रा के, ये सेम टेंटिकल्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है. इसके बाद क्या होगा कि ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, थोड़ा मैच्योर होगा और फाइनली ये यहां से डिटैच हो जाएगा, ठीक है. ये डिटैच होने के बाद ये यहां पर एक
इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म बना देगा. सो दिस इज बडिंग इन हाइड्रा. सो एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स एज अ बड विच फर्दर डेवलप्स इन टू एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म. बड सेपरेट इट सेल्फ फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ. फाइनली ये जो बड है ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देता है और अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ व्यतीत करता है. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब है क्वेश्चन नंबर 7. इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड. तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, ठीक है, तो एक रफ सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बना के बताया था, कुछ ऐसा सा होगा. ठीक है, यहाँ पर होंगी ये फेलोपियन ट्यूब्स. ठीक है, यहाँ पर होंगी ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब. अब इसमें क्या होता है, जो एम्बेडिंग होती है मतलब फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर होगी, कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब्स में. जब दोनों मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो वो एक सिंगल सेल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ जाइगोट. और वो जाइगोट यहाँ से ट्रैवल करेगा, मतलब डिविजन्स होती रहेंगी. जब ये ट्रैवल कर रहा है फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक, तो इसकी डिविजन्स चलती रहेंगी और फाइनली ये आकर यहाँ पर यूट्रस की वॉल में एम्बेड हो जाएगा या फिर इम्प्लांट हो जाएगा. सो जो ये क्वेश्चन है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है यूट्रस. ठीक है, सो एम्ब्रायो गेट्स अटैच्ड टू द यूट्रस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. आफ्टर एम्बेडिंग द वेरियस बॉडी ऑर्गन स्टार्ट्स टू डेवलप और जो यंग वन है inside the uterus is called as fetus. ठीक है, बहुत ही सिंपल. ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी इस क्वेश्चन के लिए. ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स. ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, हम शायद एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने बोला था कि मेटामॉर्फोसिस में थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ अ लार्वा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की जो लार्वल स्टेज है उससे एडल्ट स्टेज तक पहुंचने में. और अगर आप ये स्टेजेस को अगर आप ढंग से देखो तो ये जो स्टेजेस है ना, ये बहुत ही, अगर इनकी आप मतलब इनकी अपेयरेंस पे जाओगे ना, तो ये बहुत ही डिफरेंट दिखाई देती है. मतलब एक लार्वा जो है वो अपनी एडल्ट स्टेज से बहुत ही डिफरेंट दिखाई देता है. सो बेसिकली इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस. ड्रास्टिक चेंजेस कैसे होते हैं एक लार्वा में और वो बन जाता है एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो दैट इज मेटामॉर्फोसिस. तो इट इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व सडन एंड एब्रप्ट चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बाय सेल ग्रोथ एंड डिफरेंसिएशन. तो कैसे एब्रप्टली सडनली ये जो लार्वा है ये बन जाता है एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बाय सेल ग्रोथ एंड बाय सेल डिफरेंसिएशन. ठीक है, सो दैट इज मेटामॉर्फोसिस. और ये बहुत ही कॉमनली देखा गया है एम्फीबियंस में और इंसेक्ट्स में, जैसे कि फ्रॉग में या बटरफ्लाई में. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स. तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें ये एग्स हैं. ठीक है, ये एग्स जो हैं ये डेवलप हुए, एक टैडपोल आया. ठीक है, ये टैडपोल की स्टेज है. ठीक है, अब टैडपोल से यहाँ पर बना टैडपोल हाइंड लेग्स आई. ठीक है, हाइंड लेग्स बनी, उसके बाद इसकी फोर लेग्स बनी, फिर इसकी टेल रिड्यूस हुई और फाइनली क्या बना, एक एडल्ट फ्रॉग बना. तो अब अगर आप इसकी लार्वल स्टेज देखो और आप इसकी एडल्ट स्टेज देखो तो ये बिल्कुल ही डिसिमिलर है एक दूसरे से, है कि नहीं है. तो बेसिकली सडन और एब्रप्ट चेंजेस हो रही है, बहुत ज्यादा सेल ग्रोथ हो रही है, सेल डिफरेंशिएशन हो रही है और एक ड्रास्टिक चेंज हो रहा है और एक लार्वल स्टेज जो है उससे हमें मिल रही है एक एडल्ट स्टेज. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. राइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. और इस क्लास में इतना ही है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं है. ठीक है, तो ये एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स में हमें जनरली देखने को मिलती है. ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन.
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? तो हम बहुत पहले से इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चंस में, चैप्टर में तो हमने डिटेल में पढ़ा ही है, बट क्वेश्चंस में भी हमने इसको काफी बार डिस्कस किया है, तो अब इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है, इसमें मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है वो एक फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। वहीं पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट का वो एक फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, सिंपल एंड क्लियर। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर हम देखें तो ये होता है ह्यूमन बीइंग्स में, बर्ड्स में, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन एक फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है। वहीं पर अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये बहुत कॉमन है उन ऑर्गेनिजम्स में जो कि क्या होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, जैसे फिशेस हैं, फ्रॉग्स हैं, तो ये अपने गैमेट्स जो है उनको रिलीज कर देते हैं वाटर में, और वाटर में रिलीज होने के बाद वो क्या करते हैं, वहीं पर फ्यूज करते हैं, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है उनकी, ठीक है, उनके गैमेट्स की। अब अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो अगर हम सोचें कि एक जो गैमेट है या एक जो जायगोट है या एक जो एम्ब्रायो है, एक फीटस है, वो कहाँ पर ज्यादा सेफ है, वो ज्यादा सेफ है कहाँ पर, एक फीमेल की, एक मदर की बॉडी के अंदर, ठीक है, वहां पर उसको एक प्रॉपर केयर मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो यहाँ पर जो सर्वाइवल रेट है ना वो हायर है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सब कुछ बाहर हो रहा है, फीमेल की बॉडी से बाहर हो रहा है, सो दे आर प्रोन टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होंगी जिन से उनको खुद बचना पड़ेगा, बट दे आर सो डेलिकेट कि वो हर एक कंडीशन को से तो गो थ्रू नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, ऑफस्प्रिंग्स के, वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वो प्रॉपर केयर, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल एंड क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल Using the hints given below। तो हमारे पास एक क्रॉसवर्ड पजल होगा आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में, तो मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने वो यहाँ पर फिट नहीं किया, ठीक है, मतलब फिट हो ही नहीं रहा था, तो आई थॉट कि हम एटलीस्ट ये स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं ताकि जो भी वर्ड्स आएंगे वो आप खुद ही आप अपने क्रॉसवर्ड पजल में डाल दो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, तो वो प्रोसेस जिससे जब गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरी सिंपल, हम तब से यही चीज पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से इस चैप्टर में, सो इट इज फर्टिलाइजेशन। वॉट इज इट? इट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सो ये आपके क्रॉसवर्ड में फिट होगा, राइट। उसके बाद है द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हेन, तो हेन में कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, हमने दो तरह की फर्टिलाइजेशन पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है इंटरनल, एक पढ़ी है एक्सटर्नल, तो हेन के केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है इंटरनल, राइट, जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का दैट इज इंटरनल। उसके बाद द टर्म यूज्ड फॉर बल्जेस Observed on the sides of the body of Hydra। तो हमने ये दो बार ऑलमोस्ट पढ़ा है कि अगर एक हाइड्रा की बॉडी है, ठीक है, अब इसकी बॉडी पे एक हमें बल्ज सा दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, We call it as bud, right? Then the eggs are produced here। Eggs कहाँ पर बनते हैं, अगर हम humans की बात कर रहे हैं तो humans में egg कहाँ पर बनते हैं, So they are produced within the ovary, right? उसके बाद है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, तो एग्स कहाँ बनते हैं, ओवरी में, स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं टेस्टीज में, ठीक है, राइट। उसके बाद अनदर टर्म फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज IVF, राइट। दीज एनिमल्स ले एग्स, सो विच एनिमल्स ले एग्स, जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं, ठीक है, एग्स देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं
ओवीपेरस, राइट? सो वी कॉल देम ओवीपेरस. तो एक होते हैं ओवीपेरस, एक होते हैं विवीपेरस. ओवीपेरस जो एग्स ले करते हैं, और विवीपेरस वो जो यंग वंस को पैदा करते हैं. ठीक है, सो दे गिव बर्थ टू यंग वंस, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस. द टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा, तो अमीबा में कौन सा फिजन होता है? तो आप ये बोलो कि ये फिजन वाला क्वेश्चन क्यों पूछा है. ठीक है, कौन से टाइप ऑफ फिजन? बिकॉज फिजन की अगर हम बात करें तो वो भी दो तरह की होती है, मैं भी बताती हूँ. ठीक है, तो अमीबा में कौन सी होती है? अमीबा में होती है बाइनरी फिजन. तो अगर हम वर्ड देखें बाइनरी, बाइनरी का मतलब बाय मतलब टू, तो इसमें जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है वो एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है एक बार में. एक होता है मल्टीपल फिजन. ठीक है, तो मल्टी मींस मेनी, राइट? तो एक जो ऑर्गेनिज्म है उससे एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, सो दैट इज मल्टीपल फिजन. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ये सारे वर्ड्स अपने पजल में फिट कर देना. ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर. तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर. और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.